तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे के एमनो फोर का प्रॉपर्टीज देख लिए थे हम लोगों ने, रिएक्शन देख लिया था, नेचर क्या था है ना, सब चीज़ें देख लिए थे। फिर हम लोगों ने मूव किया था के टू सी आर टू सेवन में भी, और के टू सी आर टू सेवन का प्रिपरेशन हम लोगों ने देख लिया। फिर अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ के टू सी आर टू ओ सेवन, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ रिएक्शन जो है। ठीक है, तो स्टार्ट करो। के टू सी आर टू ओ सेवन जो होता है हमारा, कलर कैसा होता है बताओ? के टू और सी आर टू सेवन की कलर कैसी होती है लिखना। ऑरेंज क्रिस्टल। यस, क्या होता है कलर जो होता है इसका? कलर इज ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड सॉलिड होता है, क्रिस्टल सॉलिड। ठीक है, और बी में लिखना इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट हमारे कितना होता है इसका? मेल्टिंग पॉइंट इज 670 केल्विन, है ना। सी में आप ये लिखना, ये जो है ना, जो के टू सी आर टू सेवन जो है अपनी, ये ज़्यादा सोल्यूबल होती है हॉट वाटर। किसमें? हॉट वाटर, है ना, जल्दी सोल्यूबल हो जाएगी। रेडली रेडली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, ठीक है। बट मॉडरेटली, या बोल सकते हो बट आल्सो सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में भी सोल्यूबल होगा, ठीक है, मॉडरेटली, ठीक है, मॉडरेटली, ठीक है, बट हॉट में ना जल्दी से सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बस, है ना। अब आप लोग ये बताओ, ज्योमेट्री बताना इसका कैसा होता है, क्रोमेटायन का ज्योमेट्री बताओ। सी आर ओ फोर टू माइनस है ना हमारा क्रोमेटायन, तो क्रोमेटायन का ज्योमेट्री क्या है? क्रोमेट आयन का ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, याद रखना, टेट्राहेड्रल, ठीक है। कैसा होता है? ठीक है, ऐसा कुछ दिखा है आपको, है ना। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? क्रोमेट आयन, है ना, फाइन। तो याद रखना ये कैसा ज्योमेट्री होता है, टेट्राहेड्रल। क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन का ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। ओके, क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं है ना, बोलो। नो और सर। इसका ज्योमेट्री बताओ फिर, सी आर टू ओ सेवन टू माइनस का ज्योमेट्री बताओ आप लोग, डाइक्रोमेट आयन का। डाइक्रोमेट आयन की ज्योमेट्री बताओ। यहाँ पे क्या होता है? दो टेट्राहेड्रल ज्वाइन होता है, दो टेट्राहेड्रल, है ना, ठीक है, दो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे, क्रोमियम है ना, ये हो गया हमारा दो, फिर एक और सी आएगा, ओ आएगा यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन बीच में आ जाता है यहाँ पे, फिर सी आर फिर ओ एंड ओ, है ना। ये क्या है हमारा? डाइक्रोमेट। और यहाँ पे इसका ज्योमेट्री कैसा? तो ये टेट्राहेड्रल होता है, और ये भी कैसा होता है हमारा? टेट्राहेड्रल, ठीक है, दोनों ही कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। बस ध्यान रखना, कोई नहीं पूछेगा आपसे, है ना, ठीक है, ये आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। बस ध्यान रखना कि क्रोमेट आयन का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, और डाइक्रोमेट आयन का भी टेट्राहेड्रल ही होता है, तो यहाँ पे टू टेट्राहेड्रल ज्वाइंट होता है, ठीक है, क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्रोमेट से डाइक्रोमेट और डाइक्रोमेट से क्रोमेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, बस आपको करना क्या है, मीडियम को चेंज करना, एसिड से बेस, बेस से एसिड करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर यहाँ पे एसिड कर दिया आपने, एसिड सोल्यूशन डाल दिया, तो हमारा जो क्रोमेट है ना, क्रोमेट कन्वर्ट हो जाएगा इसमें डाइक्रोमेट, बट आपने बेसिक सोल्यूशन कर दिया तो डाइक्रोमेट जो है कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमेट आयन में, ये ध्यान रखना, है ना। एसिड के सोल्यूशन में जो हमारा क्रोमेट आयन है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डाइक्रोमेट आयन में, है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, क्लियर है सबको? एसिड और ये हमारा है बेस, ठीक है,
एसिड के मीडियम में और बेस के मीडियम में आप कन्वर्ट करना चाहोगे क्रोमेट से डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट से क्रोमेट कन्वर्ट कर सकते हो। बस करना क्या है, मीडियम को बस आपको चेंज करना है, एसिड से बेस और बेस से एसिड आप चेंज करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ना। यस सुना है ना, बोलो। यस यस यस। अच्छा साइज, अच्छा ओके ओके, हाँ वो सही बोल रहा आप, है ना। ये जो लेंथ होती है 179 पिकोमीटर, ठीक है, ये लेंथ जो होती है ना, ध्यान रखना। और यहाँ पे एंगल हो जाता है हमारा 126 डिग्री, क्लियर है। और ये दो अगर आप पूछ रहे हो तो देख लो, सब बता दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे जो है ना सभी, वन सेकेंड कलर चेंज करता हूँ, ये जो है और ये जो है, इन तीनों का साइज, इन तीनों का लेंथ, बॉन्ड लेंथ जो होगा ना सेम होगा, ठीक है। ओके, तीनों का बॉन्ड लेंथ मीन्स ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, सी आर ओ बॉन्ड, सी आर ओ बॉन्ड जो होगा विल बी इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट मीन्स बराबर होता है, क्यों, ड्यू टू द रेजोनेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस, और यहाँ पे भी हो रहा है क्या, अपना रेजोनेंस ही हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस, तो रेजोनेंस से चलते क्या हो जाता है, बॉन्ड लेंथ जो होगा हमारा लगभग बराबर हो जाता है ना, ठीक है। यहाँ का भी लेंथ 179 पिकोमीटर, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है, सुने ना। सर सी आर, सी आर का बॉन्ड है क्या, नो नो नो, सी आर ओ है, नो नो, इफ्रा सी आर ओ, ऑक्सीजन बीच में है, ये ऑक्सीजन है अपना, ये ऑक्सीजन है अपना बीच में, है ना। ये बॉन्ड लेंथ जो है सी आर ओ के बीच का है 179 पिकोमीटर, और एंगल होता है हमारा 126 डिग्री, ठीक है। और ये लेंथ जो है बार वाला, तीनों ऑक्सीजन जो है क्रोमियम के साथ किसमें है, रेजोनेंस कर रहा है, तो तीनों का लेंथ क्या होगा, बराबर होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, रेजोनेंस के चलते। ओके इफ्रा एंड सुनैना, क्लियर हो गया सबको, है ना, ध्यान रखना बस। ओके ठीक है, ठीक है, ओके आइए चलते हम लोग। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में KNO4 का देखा था, सेम यहाँ पे भी इसका भी देखेंगे, है ना, K2Cr2 और 7 का भी। देखो जब एसिडिक सोल्यूशन होता है ना, तो K2Cr2 और 7 जो होता है नेसेंट ऑक्सीजन का जनरेट करता है, बनाता है। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब ध्यान रखना, मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन होता है, मोनो एटॉमिक मीन्स एक ऑक्सीजन एटम होगा, और हाईली रिएक्टिव होता है, याद रखना, ऐसे लिख लो आप लोग, मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन होता है ये। नेसेंट ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं अपन, लिख लो हाईली, हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है। तो जब भी K2Cr2O7 एसिड के साथ रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, तो नेसेंट ऑक्सीजन का जनरेशन होगा यहाँ पे, यही बता रहा है। और यही ऑक्सीजन जो है ना ऑक्सीडाइज कर देगा दूसरे सब्सटेंस को, इसलिए K2Cr2O7 को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, क्योंकि ये भी क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन को बनाता है रिएक्शन के साथ, है ना, एसिड मीडियम में। तो नेसेंट ऑक्सीजन जैसे ही बना, दूसरे को क्या कर देगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना, ठीक है गाइज, आगे चले हम लोग, है ना। और यहाँ पे K2Cr2O7 कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, OA की तरह हो रहा है ना, ठीक है। और इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है, क्रोमियम सल्फेट है, ठीक है, इसका नाम है क्रोमियम सल्फेट, ठीक है, ओके फाइन। और ये तो ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम लोग, क्या कि अल्कोहल से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है ना, ये तो ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम लोग, अल्कोहल से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज कर देता है अल्कोहल को एसिटिक एसिड में, K2Cr2O7 और KNO4 दोनों करेगा, यहाँ पे लिख लो KNO4 भी करेगा, KNO4 भी करेगा ये, है ना, ठीक है, दोनों करता है, क्लियर है, ठीक है गाइज, आगे चले अपन, है ना। ओके किसी को कहीं पे कुछ डाउट है, एनीवन, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, ध्यान रखना, है ना। नेसेंट ऑक्सीजन मीन्स क्या, मोनो एटॉमिक एटम होता है ये, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मीन्स एक ऑक्सीजन एटम, ये क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक
ठीक है, और ये करता क्या है, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देगा ये, है ना, ठीक है। ओके, अब देखो एक चीज याद रखना, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जो हमारा डाइक्रोमेट आयन है ना, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Cr3+ में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cr3+ में, है ना, ठीक है, क्लियर है सबको, ध्यान रखना। और यहाँ पर रख, यहाँ पे दो जो हमारा फर्स्ट है, यहाँ पे इसको ए ले लो, ए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe2+ जो है हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe3+ में। कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक में ही होगा ये, K2Ca2 7 का एसिडिक मीडियम में ही हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करेगा, बेसिक न्यूट्रल में, याद रखना ठीक है, क्योंकि वहां पे ना ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना 6 6 आ जाता है, सेम हो जाता है इसलिए, ठीक है, ये हमेशा एसिडिक मीडियम में ही शो करता है K2Ca2 7, बट KNO4 सारे मीडियम में शो करता है ना। तो K2Ca2 7 जो होगा Fe2+ से, जैसे यहाँ पे क्या है, Fe2+ है, कन्वर्ट कर दिया किस में, Fe3+ में, और K2Ca2 7 जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, Cr3+ में, है ना, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी ऑक्सीडाइज कर देता है आयरन को 2 से 3 में, जैसे KNO4 कर रहा था, सेम K2Ca2 7 भी करेगा। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो है, जैसे H2S से S में कन्वर्ट कर रहा है, KNO4 भी कर रहा था, है ना, तो ये किस में जा रहा था, ये हमारा चला जाता है डाइक्रोमेट आयन जो है, किस में कन्वर्ट, किस में होगा, Cr3+ में, और H2S जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर में, ठीक है, ये ध्यान रखना ये चीज, और ये है ना, अगर ये दोनों आपको ध्यान हो कि डाइक्रोमेट जो है एसिडिक मीडियम में, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है एसिडिक मीडियम में क्रोमेट आयन से Cr3+ में जा रहा है, ये तो याद होना चाहिए। सेकेंड पार्ट, H2S जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद S में, Fe2+ ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3+ में। अगर इतना भी याद रहेगा ना आप, तो क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर पाओगे आप लोग, है ना। और I- जो है हमारा, I- कन्वर्ट हो जाता है किस में, I2 में, जैसे KNO4 भी तो कन्वर्ट कर रहा था ना I- को I2 में, सेम ये भी कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे जो है हमारा Cr2O7 2- है, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे I- है ना, I- जो है हमारा I2 में कन्वर्ट हो गया, और जो हमारा डाइक्रोमेट था Cr3+ में कन्वर्ट हो गया, है ना, ठीक है। और SN2+ जो है हमारा SN4+ में चला जाता है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना डाइक्रोमेट, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा SN2+, और यहाँ पे ये क्या है, SN4+ में कन्वर्ट हो गया ना, SN4+ में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ बोलो, है ना। और यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, डाइक्रोमेट आयन है से क्या, Cr2O7 2-, और ये हमारा क्या है, Cr3+, ठीक है। ये रिएक्शन अगर ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना आपको, बस कि I- जो है I2 में जाता है, SN2+ SN4+ में जा रहा है, और हमारा Fe2+ Fe3+ में जा रहा है ना, ऑक्सीडाइज होने के बाद, ठीक है, और H2S S में जा रहा है, और C2O4 2- किस में जा रहा है, CO2 में जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीडाइज होने के बाद C2O4 2- इज कन्वर्टेड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कन्वर्ट हो गया किसमें, CO2 में कन्वर्ट हुआ ना, और ये Cr3+ है, और ये हमारा क्या है, डाइक्रोमेट आयन, और NO2- किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO3- में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेम KNO4 की तरह भी करते, सेम KNO4 की तरह, है ना, ये सभी किस में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में, याद रखना, है ना। सेम देखो यहाँ पे NO2 जो है हमारा कन्वर्ट हो गया किस में, NO3- में हो रहा है, सिमिलरली Cr2O7 2- जो है हमारा कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में, है ना। जैसे यहाँ पे देखो SO4 3 2- कन्वर्ट हो गया सल्फेट आयन में, है ना, तो यहाँ पे देखो SO3 2- है, कन्वर्ट हो गया किस में, SO4 2- में, बेसिकली ये ऑक्सीडाइज कर रहा है ना। KNO4 K2Ca2 7 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है ना। और देखो यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन कन्वर्ट हो गया किसमें, Cr3+ में, है ना, समझ गए आप लोग, क्लियर है सबको, बोलो एनीवन, किसी को डाउट है बताओ।
है ना, जब डाइक्रोमेट आयन जो है HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको ये रिएक्शन शो होगा, है ना, ध्यान रखना रिएक्शन KCl Cr3 प्लस Cl2 प्लस H7O H वाटर, है ना, H2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद रखना, जब डाइक्रोमेट जो है HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। ये क्या है, रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ एसिड HCl के साथ, ठीक है ना। पूरा रिएक्शन ध्यान रखना आप लोग, है ना। यहाँ पे Cl2 गैस बनता है, आपसे पूछ सकता है कौन सा गैस बनेगा यहाँ पे, तो Cl2 गैस, ठीक है। कौन सा गैस बन रहा है यहाँ पे, हमारा Cl2 गैस बन रही है यहाँ पे, है ना। किसी को डाउट है, देखो डीएनए ब्लॉक में आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये ध्यान रखना, जब भी आप इनऑर्गेनिक पढ़ो ना तो अपने आप को पेशेंस जरूर रखना, घबराना नहीं, है ना, पेशेंस रखना और कोशिश करना कि याद हो जाएगा, है ना, ट्रस्ट रखना, अपने आप पे बिलीव करना, है ना, ठीक है। इनऑर्गेनिक ऐसा है कि आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि क्या क्या हो रहा है, इतना चीजें कैसे याद कर पाऊंगी मैं, घबराना नहीं, है ना, है ना, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा ये चीजें, है सर, ना। और मैंने ट्रिक भी बता रहा, हाँ बोलो, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक, स्लाइड दिखाना एक बार। ठीक है, SN2+ से किधर जा रहा है, SN4+ में। ये तो मैंने ट्रिक भी बता दिया ना आप लोग को, शॉर्ट शॉर्ट याद रखने का, SN2+ जो है SN4 में, 4+ में जा रहा है। ये सारी चीज भी आपको याद करने में हेल्प करेगी, है ना, ठीक है, ओके। ठीक है, और एक चीज मैं रिएक्शन बता दे रहा हूँ कि बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम का तो देख लिया था आपने, है ना। तो इन बेसिक मीडियम रिएक्शन कैसा होता है इसका, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का बिहेव नहीं करता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं होता इसका, K2Cr2O7 का, है ना, बेसिक मीडियम में, ठीक है। लिखो इसका रिएक्शन हो जाता है कैसे, अगर कोई पूछे कि बेसिक मीडियम में क्या ये ऑक्सीडाइज करेगा, नो, नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, उसका रीजन है Cr2O7 2- जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, बन जाएगा ट्वाइस Cr4 2- प्लस H+, है ना, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है क्रोमियम का, बताओ फर्स्ट में, और यहाँ पे बताओ सेकेंड में कितना आ रहा है, बोलो। सर 2 और 4 यहाँ पे 2 आ रहा है आपका, फर्स्ट में Cr2O7 का क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, बोलो। ये कलर कैसा होता है, येलो होता है ना, ये कैसा होता है हमारा, ऑरेंज, बोलो कितना आ रहा है, सबका 2 आ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr, ऑक्सीजन कितना होता है, -2, है ना, तो कितना आ जाएगा, बोलो 14+2, K2Cr2O7 में Cr का कितना आ रहा था, बताओ, +6 आ रहा है यहाँ पे, बताओ यहाँ पे, यस हाँ ऑरेंज वाले पे +6 आ रहा है। येलो वाले का, येलो वाले का बताओ, एट, ये भी +6 में आएगा। तो Cr जो है, Cr ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रहा है, जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या एक दूसरे को कुछ कर पाएगा, समझ गया ना, क्लियर हो गया ना, क्योंकि बेसिक मीडियम में जो है K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाता है ड्यू टू द हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्लियर है, बस इतना ध्यान रखना, है ना।
बट केमनो फोर बेसिक मीडियम और न्यूट्रल दोनों में करता है, ये नहीं कर पाता, ये केवल एंड केवल एसिडिक मीडियम में ही कर पाता है ना, ठीक है, केवल ये एसिडिक मीडियम में ही करेगा अपनी K2Cr2O7, बेसिक और न्यूट्रल में नहीं, ध्यान रखना सभी लोग, है ना, भूल नहीं जाना है ना, ठीक है गाइज, अपन आगे चले, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक, ध्यान रखना K2Cr2O7 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में, है ना, क्लियर है, बस इतना ध्यान रखना, ड्यू टू हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों सीआर का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिडॉक्स रिएक्शन की तरह नहीं हो रहा है ना, ठीक है, क्लियर है, आगे चले अपन, ठीक है, कुछ यूज देख लो इसका, डाइक्रोमेट का, जैसे डाइंग में यूज करते हैं अपन, है ना, कैल्शियो प्रिंटिंग में यूज करते हैं हम लोग, क्रोम टैनिंग में, लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है, फोटोग्राफी, है ना, जिलेटिंग को हार्ड करने में, फिल्म को लेदर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, है ना, ठीक है, ठीक है, डाइंग में यूज करते हैं, प्रिंटिंग में, लेदर इंडस्ट्री में, फोटोग्राफी में, है ना, यहाँ पे यूज होता है इसका, ठीक है, क्लियर है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, जब आप K2Cr2O7 को हीट करोगे ना, इंपॉर्टेंट नोट, सभी लोग ध्यान से सुनो एवरीवन, अगर आप K2Cr2O7 में हीट कर रहे हो, एक्सन ऑफ हीट डेल्टा, अगर आप हीट कर रहे हो K2Cr2O7 को, ये क्या है, डेल्टा मीन्स हीट, हीट करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, है ना, ये डिकम्पोज हो जाता है पोटेशियम क्रोमेट में, और Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होता है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है, क्लियर है सबको, ये होता है क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड, है ना, और इसका नाम क्या है बोलो, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, देखो DNA ब्लॉक में रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं, मींस ये बताना रहता है कि ये पार्टिकल, वो रिएक्शन दे देगा, बोले कौन सा रिएक्शन सही है, और ये बोल देगा कि किस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, और वहाँ पे K2Cr2O7 होगा, हीट करने के बाद किस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, तो आपको K2Cr2O7 को टिक करना होगा, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं DNA ब्लॉक्स, है ना, रिएक्शन के बेस पे, ठीक है, क्लियर है सब, देखो बेस, बेस का रिएक्शन बता भी दिया आपको, है ना, ये बनेगा, है ना, ध्यान रखना K2Cr2O7 का, है ना, ठीक है, जब आप एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो ये तो पता भी है आपको, ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्शन में, है ना, क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट, एनीवन, है ना, येलो कलर होता है, ये हमारा होता है ऑरेंज, है ना, ये रिएक्शन याद रखना, एसिड के प्रेजेंट में रिएक्शन ये होता है K2Cr2O7 प्लस K2SO4 प्लस H2O, और बेस के प्रेजेंट में K2Cr2O7 प्लस बेस K2CrO4 प्लस H2O, बेस के प्रेजेंट में, है ना, ये हमारा एसिडिफाइंग मीन्स एसिड पास कर रहे हो आप, एसिड के प्रेजेंट में, एसिडिफाइंग मीन्स आप एसिड डाल रहे हो, जैसे H2SO4 यहाँ पे है, यहाँ पे ये एसिड है, है ना, ठीक है, आगे चले हम लोग, है ना, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना, और कुछ और पॉइंट जो होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो भी मैं यहाँ पे लिख के भेज दूंगा आपको, है ना, जो आपको ध्यान रखना होगा बस, है ना, ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं D ब्लॉक, है ना, D ब्लॉक कंप्लीट हो गया हमारा, और अपन चलते हैं अब F ब्लॉक की तरफ, ठीक है, ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है बस ध्यान रखना, याद कर लेना, है ना, बेसिकली इनऑर्गेनिक में ज्यादातर चीजें याद ही करने वाली है ना, ठीक है, ठीक है गाइस, तो अपन स्टार्ट करते हैं F ब्लॉक अब, है ना, ठीक है, देखो F ब्लॉक में दो होते हैं, एक एक्टिनाइड सीरीज, दूसरा क्या होता है हमारा, लैंथेनाइड सीरीज, है ना, ठीक है, ओके, है ना, पहला क्या होता है हमारा, लैंथेनाइड सीरीज ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या होता है, एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है, 57 से लेके 71 तक लैंथेनाइड, और 89 से लेके 103 तक क्या होगा, एक्टिनाइड सीरीज, है ना, क्लियर है सबको, अब देखो F ब्लॉक जो है, F ब्लॉक को हम लोग इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, बताओ, F ब्लॉक को हम लोग इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, बोलो,
क्योंकि इसमें डी एंड एफ दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं इसे? इनर मीन्स सर इसमें इनर डी ऑर्बिटल और इन्वॉल्व होता है, मतलब एस से पहले वाला ऑर्बिटल। और डी डी भी डी में तो होता है ना। सर ट्रांजिशन एलिमेंट तो एस और पी के बीच में हुए हैं, यानी कि डी ब्लॉक, और एफ ब्लॉक जो उसके थोड़े मतलब अंदर, इसलिए इनर बोलते हैं ठीक है। इसलिए उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हाँ बोला जाता क्योंकि है। एन डी में क्या था, डी में भी तो एन माइनस वन आ रहा था ना, यहाँ पे एन माइनस टू आता है याद है। इसका जनरल जनरल जो फॉर्मूला बताऊंगा मैं एक्टिनाइड का और लेंथेनाइड का, देखना वहाँ पे एन माइनस टू आएगा, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, है ना। और एफ ब्लॉक कैसे पहचानोगे, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ ऑर्बिटल में जाता है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एफ ऑर्बिटल में चला जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इंटू द एफ ब्लॉक, तब हम लोग उसे बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना। अगर एफ सबसेल में या एफ ऑर्बिटल में चला जाएगा ना अपना इलेक्ट्रॉन, तभी हम लोग बोलेंगे वो एलिमेंट जो है किसमें आ रहा है, एफ ब्लॉक में आ रहा है ना। और एफ ब्लॉक का दो सीरीज होती है, एक तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड में भी कितने इलेक्ट्रॉन कितने एलिमेंट होते हैं, 14, और एक्टिनाइड में भी 14 एलिमेंट होते हैं, है ना ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है, लेंथेनम से, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्टिनियम से, एक्टिनियम ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट होता है हमारा लेंथेनम। देखो लेंथेनम को हम लोग जनरली जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एलेन से। एलेन कोई एलिमेंट नहीं है, एलेन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नहीं कि एलेन को आप कुछ समझ लेना आप, है ना। जनरल सिंबल है लेंथेनाइट को हम लोग एलेन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना ठीक है। और इसका जनरल कॉन्फिगरेशन जो होता है, देखो यहाँ पे आ रहा है ना एन माइनस टू, यहाँ पे आ रहा है ना एन माइनस टू एफ, एन माइनस वन डी एन एस, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। ओके ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, याद रखना आप लोग। ओके ठीक है गाइस, और ये आपका आप लोग का ये है ना कॉन्फ़िगरेशन है लेंथेनाइट का, है ना। ये 4F आउटर सेल है, आउटर वाला कॉन्फ़िगरेशन है ना, ध्यान रखना। ये 4F है, 5D और 6S का है, लास्ट वाला है ना ठीक है, क्लियर है। तो ये यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, जैसे हमारा डी में था ना, सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सेप्शन है ना। और डी में मैंने बता भी दिया था आपको कैसे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, है ना। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो ध्यान रखना ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेप्शन है ये वाले एक्सेप्शन मीन्स जो आप सोच रहे हो वो नहीं होके दूसरा चीज हो जाता है यहाँ पे, है ना। सी होगा नेक्स्ट, हमारा होता है जी डी, ये एक्सेप्शन में पाया जाता है, और ये एल यू, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ डिफरेंट होता है ना ठीक है, क्लियर है, याद रखना। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे केवल ऐसा तीन ही एलिमेंट है लेंथेनाइट में जहां पे 5D में इलेक्ट्रॉन है, याद रखना। आउट ऑफ 14 एलिमेंट, 4F सीरीज हैविंग ओनली थ्री एलिमेंट इन ग्राउंड स्टेट हैव 5D इलेक्ट्रॉन। 5D इलेक्ट्रॉन केवल तीन ही में है, देखो यहाँ पे किसमें है, एक सी में है यहाँ पे, दूसरा जीडी में है, और लास्ट एलयू में है ना। यहीं पे इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में जीरो है, याद रखना ठीक है। बाकी सब में जीरो इलेक्ट्रॉन है डी में, यहाँ पे देखो वन है, वन एंड वन, बाकी सब में जीरो है ना। और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी देखो तो जीरो से वन के बीच में था, है ना, था ना जीरो से वन के बीच में। तो वन कहाँ कहाँ आ रहा है, केवल तीन में, तीन एलिमेंट में वन वन आएगा ठीक है, सी जी डी एंड एल यू में, है ना ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोस्टली ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना हमारा थ्री होता है मोस्टली, बट ये टू फोर भी शो करता है ऑक्सीडाइज के फॉर्म में ठीक है, लिख लो। मोस्टली ये एलेन क्या है, एलेन जनरल है, जनरल जनरल सिंबल है, ये कोई एलिमेंट का नाम नहीं है। लेंथेनाइट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलेन से, है ना। तो एलेन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर थ्री होता है, बट हाउ एवर दे मे शो प्लस टू एंड प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस टू एंड प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर,
ठीक है, प्लस टू प्लस फोर भी शो करता है ना। सो ऑक्सीडेशन नंबर इन इन द ऑक्सीडाइज इन द ऑक्साइड फॉर्म, ऑक्साइड फॉर्म में ये टू और फोर भी शो करता है। ठीक है, क्लियर है? जैसे पी आर ओ टू है ना, एन डी ओ टू प्लस फोर में शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस फोर में सभी है, ऑक्साइड के फॉर्म में ये प्लस फोर में शो होता है। फिर आपका हो गया एन डी ओ, ये गया आपका है ना, फिर टी बी ऑक्साइड प्लस डी वाई ओ टू, ये सभी किसमें है? प्लस फोर में, ऑक्साइड के फॉर्म में ये प्लस फोर में भी शो करता है ना। प्लस फोर, ठीक है, प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है ना इसका, ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हो, क्यों आ रहा है? कोई बता सकता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा है इसका क्यों आ रहा है, बोलो। एनीवन? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है इस वजह से। लिखो यहाँ पे प्लस टू एंड प्लस फोर, प्लस टू प्लस फोर ओएस जो हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, सोन बाई एलिमेंट टू अटेंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, टू अटेंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है? तीन ही केस है ना, एफ जीरो हो जाए, क्या क्या हो सकता है बताओ? एफ जीरो हो जाए, या एफ 70 हो जाए, सेवन, या एफ 14 हो जाए, यही तो स्टेबल होना। एफ या तो जीरो हो जाए, एफ या तो हाफ फिल्ड हो जाए, या एफ फुल्ली फिल्ड हो जाए। ये क्या है? फुल्ली, ये हाफ, ठीक है, समझ गया ना? इसीलिए ये टू और फोर भी शो करता है, बट जनरली कॉमन कॉमन क्या है? थ्री है। फोर कब शो करता है? जब ऑक्साइड के फॉर्म में है ना। और इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन इसलिए होता है क्योंकि हाफ फिल और फुल्ली फिल कॉन्फ़िगरेशन के चलते है ना। ओके गाइस, आगे चले अपन है ना। ठीक है, अब ध्यान रखो, सी फोर प्लस जो है ना, इसका अगर एस आर पी वैल्यू देखोगे आप, तो एस आर पी वैल्यू होता है इसका 1.74। सो ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, ध्यान रखना, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी एस आर पी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, देखो 1.74 वोल्ट है, सो इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता ही है। क्यों? ड्यू टू हैविंग हाई एस आर पी वैल्यू। और मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था ना, जिसका एस आर पी वैल्यू ज़्यादा होता है वो क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसलिए सी फोर जो है हमारा, सी फोर जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ना। ठीक है, क्लियर है? और एक चीज और ध्यान आप ध्यान रखना, सी फोर प्लस जो है हमारा, सी प्लस फोर विल ऑक्सीडाइज वाटर एज वेल, वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है ना, विल ऑक्सीडाइज वाटर एज वेल, वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है ना। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है? नेक्स्ट जो है हमारा, जैसे हमारा यू है, यू टू प्लस जो होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एफ फोर सेवन है ना, और ये कैसा बिहेव करता है हमारा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखना है ना। आर ए क्या है हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा है किस में? यू थ्री प्लस में। यहाँ पे जो यू टू प्लस है ना हमारा, यू टू प्लस किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? यू थ्री प्लस। क्यों क्यों होना चाह रहा है ये? क्योंकि ये स्टेबल है, ठीक है, ये स्टेबल है, इसलिए ये कैसा बिहेव हो रहा है? आर ए की तरह। आर ए क्या है हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सभी लोग स्टेबिलिटी चाहिए ना सबको, समझ रहे हो ना आप लोग? सेम वाई टू प्लस भी, ठीक है, वाई टू प्लस भी कैसा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ना।
वॉइस ब्रेक कर रही है मेरी? नहीं नो सर। ना, ध्यान रखना, यहाँ पे जो यू टू प्लस जो है हमारा, ये कैसा बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? सबका रीजन बता रहा हूँ मैं, सबका रीजन बताते जा रहा हूँ, ध्यान रखना। यू टू प्लस जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? इसलिए जब ये कन्वर्ट हो जाएगा यू थ्री प्लस में, वो कैसा होता है? स्टेबल होता है। और आपको पता है लैंथनाइड का प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं, इसलिए चाहेगा कि जल्दी से जल्दी मैं कन्वर्ट हो जाऊँ प्लस थ्री में। सिमिलरली वाई बी टू प्लस भी है ना, ठीक है, क्लियर है सबको, है ना? और एक चीज यहाँ पे लिख लो सभी लोग, जैसे सी हुआ, पी आर, एन डी, टी बी एंड डी वाई जो है हैव ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी प्लस फोर इन ऑक्साइड फॉर्म। मैंने ऊपर भी बताया था, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ठीक है। ऑक्साइड में ये प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना? यहाँ पे लिख दिया है मैंने, है ना? ये ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ओके। अब देखते हैं एटॉमिक साइज और आयनिक साइज में कैसा होता है। और यहाँ पे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन लगेगा, ये तो सबको पता है ना। एटॉमिक साइज और आयनिक साइज कैसा होता है? यहाँ पे रेगुलर डिक्रीज होगा, है ना? रेगुलर डिक्रीज होगा यहाँ पे ड्यू टू द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, है ना? एल एल ए प्लस से एल यू थ्री प्लस में लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होता है ना। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के चलते क्या होगा? साइज डिक्रीज होगा। क्यों? पुअर शील्डिंग 4f इलेक्ट्रॉन का, पुअर शील्डिंग से मतलब ये हुआ हमारा जेड इफेक्टिव क्या हो गया, जेड इफेक्टिव विल बी इंक्रीज। और जेड इफेक्टिव जैसे ही बढ़ेगा अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, और अट्रैक्शन ज्यादा के चलते साइज डिक्रीज हो जाता है ना। रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनाइड आयन फ्रॉम Na3 प्लस टू Lu3 प्लस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। रेगुलर साइज में डिक्रीज होता है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। पुअर शील्डिंग से क्या हो रहा है? पुअर शील्डिंग से हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ गया। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से होगा क्या? जेड इफेक्टिव बढ़ने से अट्रैक्शन हो गया, तो अट्रैक्शन से होगा क्या? अट्रैक्शन से साइज डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना, है ना? क्यों हो रहा है? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। पुअर शील्डिंग से हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ जाने से, ठीक है, क्लियर है सबको, है ना? किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? एनीवन बोलो, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है गाइस? एनीवन? यूरोपियम, EU का मतलब होता है यूरोपियम, ND का मतलब होता है न्यू डायरियम, है ना? PR है प्रेसोडियम, ठीक है, C है सेरियम, ठीक है, क्लियर है सबको। DY हमारा है डाइस डाइस प्रोसियम, ठीक है, क्लियर है। ओके गाइस, ठीक है ना, प्रिया क्लियर हो गया ना आपको? ठीक है, ओके। किस ये सर, ये सर, ठीक है, ये चैप्टर में ज्यादातर चीजें याद करने वाली, ये तो है, ठीक है। इनऑर्गेनिक मोस्टली पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड छोड़ के, तीन चैप्टर छोड़ के, बाकी में आपको मोस्टली याद करना ही है ना? या पी ब्लॉक ले लो, एस ब्लॉक ले लो, डीएनए ब्लॉक ले लो, या है ना, या हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन कुछ कम याद करना है, लेकिन बाकी सब में तो याद ही करना है ना, बाकी सब में कम करना है, पीरियोडिक टेबल कम याद करना है ना? कुछ कुछ है एक्सेप्शन, बाकी चीजें तो रूल पे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में भी बहुत कम चीजें याद करनी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने देखा भी बहुत सारे कम चीजें याद करना है ना। मेनली जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक जो भी ब्लॉक होगा, एस पी डी ए एफ, है ना, इसमें याद करना पड़ेगा आपको, है ना? और कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे, ध्यान रखना। एक्सेप्शन क्या है? यू जो होगा हमारा, यू यू का साइज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, इंटायर एफ सीरीज, ये याद रखना, एक्सेप्शन है, इट इज एक्सेप्शन, ठीक है। ए ब्लॉक में आप लोग पैसेंस से पढ़ना है ना, घबराना नहीं है ना। ए ब्लॉक, डी ब्लॉक,
एस ब्लॉक, जो भी ब्लॉक केमिस्ट्री होगी, आप लोग घबराना मत सभी लोग, ठीक है? पैशन के साथ, है ना, ट्रस्ट करना, बिलीव करना अपने आप पे कि हो जाएगा, है ना, ठीक है? इजी है, फर्स्ट बार में आपको लग रहा होगा कितना चीजें याद करना है ना, बट ऐसा है नहीं, दो तीन बार पढ़ लोगे ना एनसीईआरटी और नोट्स, तो ये सबसे इजी हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। और एक बार आ गया ना ब्लॉक, तो इससे फुल मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है? और बहुत जल्दी बनता भी है ये, इनऑर्गेनिक ऐसा है, एक बार आपको आ गया तो क्वेश्चन भी बहुत फास्ट बनते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये ध्यान रखना। यस, अगर आप याद कर लिए तो आपके लिए फिर आप सोचोगे सर ने तो सही बोला था, अब याद हो गया तो मेरे लिए तो सबसे इजी। आप बोलोगे कि मैं तो इनऑर्गेनिक 10-5 मिनट में ही कंप्लीट कर लेती हूँ, है ना, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, है ना, बहुत फास्ट क्वेश्चन बनता है इससे, है ना, ठीक है? याद रखना, एक्सेप्शन क्या है, यू का सबसे लार्जेस्ट साइज होता है 4F सीरीज में, ठीक है? और आयनिक साइज जो होता है ना, आयन के साइज जो है रेगुलर डिक्रीज होता है, ये तो पता है ना सबको, रेगुलर डिक्रीज होता है, ध्यान रखना यहाँ पे, नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, याद रखना यहाँ पे नो एक्सेप्शन, स्टार मार्क कर लेना। आयन के साइज जब भी आप दिखाओगे तो डिक्रीज करेगा ड्यू टू द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, है ना, और यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। एक्सेप्शन कब आएगा, आयन्स के फॉर्म में नहीं है तो तभी आएगा, है ना, ठीक है? क्लियर है सबको, आगे चले अपन, है ना? अब देखो केमिकल रिएक्शन है, ये भी याद करना होगा, है ना, ठीक है? अगर लैंथेनाइड रिएक्ट करता है सल्फर के साथ तो आपको बन जाएगा ये, अगर लैंथेनाइड रिएक्ट कर गया सल्फर के साथ क्या बनेगा, सल्फर और हीट, सल्फर और हीट कर दिया तो आपको मिल जाएगा कंपाउंड, ठीक है? अगर ऑक्सीजन और हीट कर दिया आपको तो ये मिलेगा, एसिड के साथ रिएक्शन हो गया तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइलोजन के, हाइलोजन यहाँ पे हो सकता है ना, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन हो सकता है ना, आयोडीन, ठीक है? ये रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा, ठीक है? N2, N2 और हीट करोगे तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है? और आपने कार्बन और हीट कर दिया और एट टेम्परेचर 273 केल्विन तो आपको मिल जाएगा LnC2, ठीक है? ये रिएक्शन सभी लोग ध्यान से याद रखना, भूल नहीं जाना, है ना, ठीक है? क्लियर है सबको, इसका केमिकल रिएक्शन सभी लोग याद रखना, भूलना नहीं, है ना? यस यस, रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन ध्यान रखना आप लोग सभी लोग, कार्बन के साथ कैसा रिएक्शन हो रहा है, सल्फर के साथ। आप बस क्या करना ना, क्लास के बाद एक बार नोट्स देख लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा कैसे याद करना है चीजें, है ना, ठीक है? N2 का क्या है, -3 होता है और LnB +3 में होता है हमेशा, ये तो मोस्टली +3 है यहाँ पे, है ना, मोस्टली +3 में होता है तो +3 से ही कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है? O2 है तो 2 है तो Ln2O3 हो गया, S पे -2 है, O पे -2 है, ठीक है? क्लियर है, ठीक है गाइस, किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है, एनीवन? ओके, आगे चले अपन, एनीवन, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, याद रखना आप लोग, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना? एक बार याद हो गया ना तो फिर बोलोगे हाँ सर, नंबर तो इसी में सबसे ज्यादा आते हैं और आराम से हो भी जाता है ना, ठीक है? अब चलते हैं जनरल प्रॉपर्टी जो है, ध्यान रखना कैसा होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है ना, कैसा होता है ये, एलेन क्या है, एलेन कंपाउंड नहीं है, एलेन अपना है लैंथेनाइट, है ना, एलेन आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल, और यहाँ पे सभी कलर ही होते हैं, ठीक है? Al3+ और Lu3+ छोड़ के सभी कलर ही होते हैं, क्या होते हैं, कलर्ड, है ना, यहाँ पे सभी कलर ही होते हैं, हाँ सभी क्या होंगे, हमारे कलर होंगे यहाँ पे, ठीक है? आगे चले अपन, किसी को डाउट तो नहीं है ना, लैंथनम 3+ और लुटेटियम 3+ छोड़ के सभी कैसे होते हैं, सभी हमारे कलर ही होंगे, और यही दोनों क्या होगा, कलर नहीं होगा, ठीक है, बाकी सब कलर होगा, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ये भी ध्यान रखना, एक्सेप्ट Al3+ लैंथनम सीरियम 4+ और Y2+ और लुटेटियम 3+ क्या होते हैं, पारा मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है?
इन चारों को छोड़ के, ध्यान रखना, इनको 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 और इनको छोड़ के सभी पारा मैग्नेटिक होते हैं। क्यों? ड्यू टू हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यही चारों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या एफ जीरो है, देखो दिखा है ना, एफ जीरो है, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो एफ फोर्टीन है इस, इन दोनों में, इन दोनों में एफ फोर्टीन है, तो नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ध्यान रखना चार को छोड़ के बाकी सभी पारामैग्नेटिक होंगे, है ना? ठीक है गाइज, अपन आगे चले। बेसिसिटी देखो, बेसिसिटी बेसिसिटी ऑर्डर भी देखना आप लोग, है ना? बेसिसिटी ऑर्डर जो होगा लैंथेनाइट का, एलेन का, डिक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। साइज घटने से बेसिसिटी भी हमारी डिक्रीज हो जाती है, एलेन से लैंथनम से लुटेटियम तक। ठीक है, एलयू क्या है हमारा, लुटेटियम, एले एले क्या है, लेंथनम, है ना? और हार्डनेस जो है इस पे डिपेंड करेगा किस पे, एटॉमिक नंबर पे। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतना ही उसकी हार्डनेस होगी, है ना? और एक चीज इंपॉर्टेंट है, एलवाई ऑफ लेंथनम को हम लोग बोलते हैं मिच मेटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 95% लेंथनम होता है, 5% आयरन होता है, और सम कुछ अदर मेटल हो, जैसे सल्फर हुआ, कार्बन हुआ, कैल्शियम हुआ, है ना, ईटीसी। ठीक है, मिच मेटल बोलते हैं मिच। ठीक है, क्लियर है सबको? एनी डाउट, किसी को कहीं डाउट है? इसको मिच मेटल क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, लिख लो अगर आप पूछ रहे हो तो। ड्यू टू ड्यू यूज होता है, आप लिख लो यहाँ पे, दे इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज इन बुलेट, बुलेट बनाने में इट इज यूज इन बुलेट एंड लाइटर, लाइटर स्प्रिंट। ठीक है, स्प्रिंट लाइटर, लाइटर जो होता है ना, जो आप जलाते हो, जहाँ जहाँ से स्पार्क होता है वो, वहाँ पे यूज होता है ना? और बुलेट गोली, गोली याद है? ठीक है, बुलेट उसमें यूज होता है, एलवाई, एलवाई ऑफ लैंथनम। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी इंक्रीज करता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी भी हमारी इसी क्या होती है, बढ़ती जाती है जैसे 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 इसकी एटॉमिक नंबर बढ़ेगी। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, हार्डनेस बढ़ेगा, उसी मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी भी बढ़ता चला जाता है ना? ठीक है, ठीक है गाइज, और किसी को डाउट है, एनीवन? देखो कहीं कहीं पे जैसे आप देखोगे, ऑक्साइड जो होता है ना लैंथनम का, हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट में, पेट्रोलियम क्रैकिंग में, पेट्रोलियम को में हम लोग कैटलिस्ट की तरह भी यूज करते हैं, तो ये यूजेज है उसका। ठीक है, ध्यान रखना बस आप लोग, है ना? अब चलते हैं हम लोग एक्टेनाइड में। हाँ, लैंथेनाइड हो गया, एक्टेनाइड, और इसका जनरल सिंबल जो होता है एन होता है। क्या होता है? एन, एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एलएन से नहीं, एन से। ठीक है, ठीक है गाइस। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है सेम जो डी का लेंथनम का था, वही एक्टिनम का ही होगा। ठीक है, क्लियर है? बस वैल्यू ऑफ एन चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, क्लियर है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसे हम लोग एक्टिनाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, जैसे लेंथनम को रिप्रेजेंट कर रहे थे लेंथनाइट को रिप्रेजेंट कर रहे थे एलएन से, वैसे ही एक्टिनाइट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्टिनवाइट को एन से, है ना? ठीक है, क्लियर है गाइस? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो इसका, आउटर मोस्ट सेल का ये हमारा हो गया क्या, 4f 6d और 7s, है ना? और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आउटर सेल का है, 4f का है, 6d का है और 7s, 0 1 2 सिमिलरली सबका यहाँ पे लिखा हुआ है ना? ठीक है, तो यहाँ पे याद करने वाला कौन सा होगा आपको? ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ठीक है गाइस, ओके आगे चले हम लोग।
कौन सा याद करना, ये याद रखना ठीक है, ये स्टार मार्क मैं मार दे रहा हूँ, ध्यान रखना, थोड़ा सा एक्सेप्शन होगा यहाँ पे, है ना। एनपी होगा फिर आपका हो जाएगा सीए, ठीक है, क्लियर है। इन चारों को ध्यान रखना है ना, चारों का आउटर मोस्ट में कौन कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। ओके अब चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यहाँ पे भी मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 3 होता है ना, मोस्ट कॉमन, जैसे लेंथना में +3 था वैसे ही एक्टेनाइट्स में भी +3 होता है, बट ये 4, 5, 6, 7 भी शो करता है, क्यों बताओ आप। अब आप लोग ये बताइए 4, 5, 6, 7 क्यों शो करता है, एनीवन? सर सर आपने पिछन पे स्टार क्यों लगाए थे, एक बार बताना दोबारा। इसलिए बताया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा एक्सेप्शन टाइप का है, इसलिए जहाँ जहाँ भी स्टार मारा है ना मैंने, उसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा एक्सेप्शन टाइप का होगा, है ना, ठीक है, बस याद रखना आपने ये वाला। सर LR, हाँ LR 14-1-2 क्या बोलो, LR है क्या, LR पूछ रहे हो, नाम पूछ रहे हो उसका? सर LR में एक्सेप्शन, एक सेकेंड, सेवन है ना, LR में एक्सेप्शन, S का तो 0 होता है ना, 7 हो गया, D का कितना होता है बताओ, S N plus L रूल लगाना आप, ठीक है, N plus L रूल में डी का कितना होता है बोलो, डी का बताओ आप लोग। SPD है ना, S का 0, P का 1, इसका 2 हो गया ना L, तो N plus L कितना होगा इसका, 6D का ना बोल रहे हो आप, तो नहीं ये तो ये एक्सेप्शन नहीं होगा ना, एस में फिल है, नहीं, ये एक्सेप्शन नहीं होगा, ये एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता, ये एक्सेप्शन कहाँ से होगा, कुछ तो या तो एस में कम होता तभी तो एक्सेप्शन बनेगा, एक्सेप्शन में ये स्पेशल केस भी तो नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, और डी जो है 0 या 1 होना चाहिए वैसे, अच्छा वैसे बोल रहे कि 1-1 है तब बोल सकते हो, हाँ कि यहाँ पे 1 है, हाँ ऐसे याद करने के लिए आप बोल सकते हो, हाँ ठीक है राइट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, ठीक है वैसे आप बोल सकते हो, ठीक है क्लियर है। बाकी सब में क्या है, 0-0 है, और इन्हीं सब में क्या है, 1 है ना, क्लियर है गाइज, आगे चले हम लोग बोलो, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली क्या होता है, +3 होता है इसका भी, जैसे लेंथनम का था वैसे सेम एक्टिनाइट का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है हमारा, 3 ही होता है, बट 5, 4, 5, 6, 7 शो क्यों कर रहा है, अगर कॉमन 3 है तो 3 शो करना चाहिए था, 4 भी शो कर रहा है, 5 भी 6 भी 7 भी, देखो ये तो क्योंकि एक्टिनाइड में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑक्सीजन स्टेट का, तो फॉर्मर्स कुछ लेटर एलिमेंट्स में ऑक्सीजन स्टेट स्टेट चेंज हो जाती है, 5-4 आ जाती है। मतलब रीजन क्या है, क्यों हो रही है, वहां पे भी तो हो रही थी, लेंथनम में भी हो रहा था, लेकिन बहुत वहां पे ऑक्साइड के फॉर्म में था, वहां पे हो रहा था बट ऑक्साइड के फॉर्म में हो रहा था, है ना, वहां पे रीजन क्या था, ड्यू टू द फुल, स्टेबिलिटी हाँ यस, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था ना वहाँ पे, F0, F15, F14 हो रही थी ना वहाँ पे, यहाँ पे क्यों हो रहा था, यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है ना, 3 वहाँ पे देखो कुछ ही थे जो फोर शोर कर रहे थे, वो भी ऑक्साइड के फॉर्म में, बहुत कम थे, 2, 3, 4 थे, और यहाँ पे देखो 4, 5, 6, 7 जिसको देखो सब शो कर रहा है, क्यों बताओ, इसके पीछे रीजन ये है, ऐसा देखा गया है कि एनर्जी जो होता है हमारा, हर चीज एनर्जी पे ही हो रहा है, जुबिया इफ्रा है ना, ठीक है जुबिया एंड इफ्रा, हर चीज एनर्जी पे ही होता है केमिस्ट्री में, कहीं पे अगर एनर्जी कम लग रहा है और तो वही काम होगा, तो यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि 4F, 6D और 7S जो है इनका एनर्जी लेवल जो है
एनर्जी अगर आप कंपेयर करोगे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बहुत कम डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सर ज्यादा पुअर शेड्यूल इफेक्ट की वजह से है। तो इनका एनर्जी लेवल जो है बहुत कम होता है, एनर्जी लेवल ऐसा देखा गया, तो इनका सिमिलर एनर्जी लेवल हो जाता है। एनर्जी लेवल सिमिलर होने के चलते इनका वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो होता है, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो लिख लेना यहाँ पे, लिख लो, लिख लो यहाँ पे। स्टार मार्क यहाँ पे ऐसे, दे सो वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, OS, ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू सिमिलर एनर्जी, ड्यू टू सिमिलर एनर्जी ऑफ ड्यू टू सिमिलर एनर्जी ऑफ 5F, 6D एंड 7S लेवल, है ना। 5D, 6D, 5F एंड 7S का जो एनर्जी लेवल होता है सिमिलर हो जाता है, इसलिए ये वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, है ना। तो ज्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ रहा और इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जा रहा है ना, लूज करेगा ना वो। अगर ज्यादा एनर्जी उसके लगे, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा तो लूज नहीं करेगा ना वो। अगर कहीं पे ज्यादा एनर्जी लग रहा है उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने में, तो काम नहीं होता है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है 5F, 6D और 7S का नियरली सेम हो रहता है, सिमिलर होता है, इसलिए हो रहा है ना। और एनर्जी सेम होने के चलते इतना ज्यादा वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, क्लियर है सबको। आगे चले अपन, है ना। अब देखो आयनिक साइज जो होता है एक्टिनाइट का भी रेगुलर डिक्रीज करेगा, जैसे लेंथेनम में हो रहा था, लेंथेनाइट में जैसे हो रहा था सेम एक्टिनाइट में भी होगा। +3 जो होगा रेगुलर डिक्रीज अक्रॉस द 5F सीरीज, इसे हम लोग बोलते हैं एक्टेनोइड कंट्रेक्शन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टेनोइड कंट्रेक्शन, है ना, इसे हम लोग बोलते हैं एक्टेनोइड कंट्रेक्शन। ये क्या होता है, ड्यू टू किससे हो रहा है ये एक्टेनोइड कंट्रेक्शन, कैसा होता है, सेम लेंथेनोइड की तरह ही, पुअर शील्डिंग ऑफ, लिखो यहाँ पे एक्टेनोइड एक्टेनोइड कंट्रेक्शन, एक्टेनोइड कंट्रेक्शन ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे लेंथेनाइट में लेंथेनोइड कंट्रेक्शन हो रहा था, यहाँ पे एक्टिनोइड कंट्रेक्शन होता है। ओके गाइस, अपन आगे चले, है ना। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी सेम, जैसे लेंथेनम में था सेम यहाँ पे भी एक्टिनम में होगा, है ना। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, याद करने वाला चीज क्या है, ध्यान रखने वाला, देखो यहाँ पे नो रिएक्शन शो कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ नो रिएक्शन, और अल्कली मीन्स बेस के साथ, NOH क्या है बेस, यहाँ पे भी नो रिएक्शन होता है। इसके पीछे रीजन ये है, ऐसा देखा गया है कि ऑक्साइड लेयर फॉर्म होता है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, तो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन के चलते यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर पाता है नाइट्रिक एसिड और अल्कली बेस, कोई सा भी बेस के साथ रिएक्शन नहीं होगा। याद रखना एक्टेन जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे एक्टेनाइड में, वो बेस और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, याद रखना, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, प्रोटेक्टिव लेयर, है ना, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है ऊपर से, तो रिएक्शन नहीं हो पाता है यहाँ पे, है ना। बाकी सब का ठीक है, ठीक है। N+3 में होगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे तो हाइड्रोक्साइड बना और H2 गैस रिलीज हो गया यहाँ पे, है ना। बट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ, HCl के साथ रिएक्शन होगा इसका, बट नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं होता है, ठीक है। रीजन क्या है, ड्यू टू द फॉर्मिंग द प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है ऑक्साइड का, ठीक है।
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको ये बन रहा है ना, ध्यान रखना हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन पे ये बन जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइलोजन वाटर के साथ, है ना, एसिड AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, H2 गैस यहाँ पे भी, है ना। रिएक्शन कहाँ कहाँ नहीं हो रही है, स्टार मार्क मैंने कर दिया, ध्यान रखना। अल्कली के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगा ड्यू टू द फॉर्मिंग द प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, इसलिए रिएक्शन नहीं होता है यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना। क्लियर है? नोट में लिख लो यहाँ पे, नोट में ये लिख लेना। एक्टिनाइड्स विल नॉट रिएक्ट विथ, नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, सरफेस पे क्या हो जाता है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है ऊपर से, और प्रोटेक्टिव हो जाएगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए रिएक्ट नहीं कर पाता है ना। ठीक है गाइस, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन, एनीवन, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलो, है ना। अब देखते हैं जनरल प्रॉपर्टी, ये एक चीज याद रखना, जो हमारा एक्टिनाइड होता है ना, रिएक्टिव, रेडियो एक्टिव होता है, ज्यादा अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है ना, याद रखना, अनस्टेबल रिएक्टिव होता है ज्यादा, है ना। ठीक है, और इसका टेंडेंसी होता है कॉम्प्लेक्स बनाने का, ठीक है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है ये, है ना, ध्यान रखना गाइज। और ये भी कैसा होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है, ठीक है, मेटालिक फॉर्म में, और मोस्टली ये एक्टिनॉइड जो होते हैं पारा मैग्नेटिक होते हैं मोस्टली, जैसे लेंथेनाइट जैसे पारा मैग्नेटिक था ना चार को छोड़ के, वैसे ही सेम एक्टिनाइड भी जो होते हैं ना हमारे, ये भी क्या होते हैं, पारा मैग्नेटिक ही होते हैं, ठीक है, एक्टिनाइड, ठीक है, एक्टिनाइड्स, जैसे लेंथेनाइट्स भी पैरामैग्नेटिक थे ना वहां पे चार छोड़ के, जो चार मैंने बताया था F0 और F14 वाले, तो यहाँ पे मोस्टली हमको लगता है सभी सभी ही यहाँ पे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक ही नेचर होते हैं सभी, ठीक है। ओके गाइस, किसी को डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। देखो कुछ एप्लीकेशन है जैसे कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग DNA ब्लॉक में, याद रखना है ना, कहाँ कहाँ अपन यूज करते हैं, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड को पिगमेंट में यूज करते हैं, MnO2 ड्राई सेल में, बैटरी में, मीन्स बैटरी लिख लो, बैटरी में अपन यूज करते हैं, ये आपको पता है क्वांज मेटल, है ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड, V2O5 मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कैटलिस्ट के फॉर्म में, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, है ना, आयरन हैबर प्रोसेस में यूज करते थे एमोनिया बनाने के लिए, है ना, ठीक है, HBR यूज करते थे हम लोग, फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में यूज होता है ना, PDCl2 वेकर प्रोसेस में, इथाइन टू इथेनॉल में बनाने के लिए, है ना, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर में भी, जिगलर कैटलिस जो होता है पोलिथीन बनाने के लिए यूज होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछा गया है JEE मेन में, ठीक है, JEE मेन में पूछा गया, तो नीट में ही पूछ सकता है ना, TiCl4+AlCH3 होल ट्वाइस, ठीक है। जिगलर कैटलिस इज यूज इन फॉर पोलिथीन प्रिपरेशन, पोलिथीन बनाने के लिए यूज करते हैं ना, ठीक है। तो इसी के साथ अपना DNA ब्लॉक का द एंड, ठीक है, ओके, और नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, ओके, फाइन गाइस, ओके, पेशेंस के साथ इनऑर्गेनिक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है ना, काफी डिटेल में पढ़ा, आप लोग का पेशेंस के लिए क्लैपिंग, इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, ठीक है, इनऑर्गेनिक में पेशेंस जरूरी होती है ना, घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, मोटिवेट करते रहना, जब भी इनऑर्गेनिक पढ़ो अपने आप, सर हाँ हाँ बोलो,
नेक्स्ट क्लास से बायोमोलिक्यूल्स करवा दो। बायोमोलिक्यूल में करा देता जो भी है, बट बायोमोलिक्यूल में हम लोग डिटेल में जाएंगे तो फिर वहां पे हमको बताना पड़ जाएगा डी क्या होता है, एल क्या होता है, स्मॉल डी क्या होता है, स्मॉल एल क्या होता है, समझ रहे हो आप? फिर आप लोगों को पूछने, सर ये स्मॉल डी क्या होता है, कैपिटल डी क्या होती है ना, तो बहुत सारी चीजें डाउट आना शुरू हो जाएगा फिर आपको, तो इस है ना, दोनों अलग होता है जो भी है, पता है ना, स्मॉल डी कैपिटल डी अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा आप लोग पढ़ोगे तो, इसलिए जब हम लोग जीओसी पढ़ लेंगे ना तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा, ठीक है जो भी है, नहीं तो मैं करा देता है ना। हाँ केमिकल काइनेटिक्स जो है अपना अपन कंप्लीट कर लेंगे 5 लेक्चर में, है ना, ठीक है। और आप लोग नोट्स अच्छे से पढ़ लेना जो मैं भेजूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं लिख के भेजूंगा, ठीक है, 2-3 स्लाइड में लिखा रहेगा तो अच्छे से देख लेना, ठीक है, दोनों पीडीएफ को। और ए ब्लॉक पे मैं क्वेश्चन भी भेजूंगा, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना जो भी मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ ना, अगर आप अच्छे से कर रहे हो ऑनेस्टली तो आप डेफिनेटली आपका नंबर अच्छे आएंगे नीट में, है ना, ठीक है गाइस। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप और लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। सर ये पीडीएफ प्लीज अभी भेज देना।